पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड 19 के वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर ड्राई रन का आयोजन किया गया, ताकि वैक्सीनेशन के समय किसी तरह की असुविधा ना हो। इसको लेकर सभी नियमों को फॉलो करते हुए ड्राई रन कर सभी कर्मियों को समझाया गया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि बहुत जल्द पूरे देश में कोविड 19 का वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। वैक्सीनेशन से पहले ड्राई रन का आयोजन कर देखा गया कि हम कितने तैयार हैं। हालांकि आज पूरे देश में ड्राई रन का आयोजन विभिन्न जगहों में किया जा रहा है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मृत्युंजय धावड़िया ने बताया कि सबसे पहले टेम्परेचर को माप कर सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद ई रजिस्ट्रेशन देकर वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा, जिसके बाद वैक्सीनेशन रूम में ले जाकर नियम के अनुसार वैक्सीनेशन करने के बाद उसे रेस्ट रूम में 30 मिनट तक रखा जाएगा। यदि किसी तरह का दिक्कत हो तो उससे निपटने के लिए विभाग तैयार है। डॉक्टर धावड़िया जी का कहना है कि इससे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई रिएक्शन होने की संभावना है। फिर भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। इसी के साथ जमशेदपुर से P3 न्यूज झारखंड के लिए शिवशंकर शाह की देखरेख रिपोर्ट। कोविड-19 का आज पूरा देश में आज कोविड-19 का ड्राई रन या मॉक ड्रिल चल रहा है। तो इस मॉक ड्रिल में इसीलिए मॉक ड्रिल की जरूरत पड़ा, चूँकि ये डिजीज जो है कोविड-19 ये भी नया डिजीज है, वायरस नया है और बहुत ज़्यादा संक्रामक है। तो इसको अगर हम लोग प्रिपरेशन नहीं लेंगे, रिहर्सल नहीं लेंगे, तो हम लोग का जिस दिन वैक्सीनेशन करेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ वहाँ आने लगेगी। तो उसी के रिहर्सल में आज भविष्य में जो वैक्सीनेशन होगा कैसे करेंगे उसी का जरिया चलता है। जैसे कि संक्रामक रोग है तो हेल्थ वर्कर को सबसे पहला चरण में दिया जाएगा। तो जितना लाभार्थी है सबका रजिस्ट्रेशन हम लोग कर लिए हैं, उस रजिस्ट्रेशन को देख के जो लाभार्थी आएंगे उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए या तो वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड ऐसा 5-6 तो है, वो कुछ भी एक तो आइडेंटिटी कार्ड ले आएंगे और यहाँ आके जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके साथ मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद ही उसको वैक्सीनेशन किया जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति का अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और वो सिम्टोमेटिक है, फीवर कफ कोल्ड आया है, तो उसको वैक्सीनेशन उस वक्त हम लोग नहीं करेंगे उसको। तो उसी के लिए आज रियल सेल चल रहा था, जैसे पहला जैसे एंट्री मारेंगे वहाँ उसको टेम्परेचर देखा गया है, सैनिटाइज किया गया है, फिर रजिस्ट्रेशन रूम में भेज दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद उसको वेटिंग रूम में बैठा दिया गया है। वेटिंग रूम के बाद उसको वैक्सीनेशन रूम में उसको वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल हुआ। उसके उपरांत उसको ऑब्जर्वेशन रूम में उसको भेजा गया। ऑब्जर्वेशन रूम में उसको 30 मिनट तक उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर किसी को AEFI या कोई एडवर्स रिएक्शन हुआ तो उसके बारे में हम लोग पूरा तैयार भी रखना है। ऐसे कोविड-19 वैक्सीन जो है अब तक जो जानकारी है ये टोटली सेफ है, फिर भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंस, मास्क ये सब या सैनिटाइज ये सब करने के बाद ही जो नियम है उसी के तहत हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे।